ये एक अजीब किस्म की पहेली थी जो कि व्हाट्सएप पर सौरभ वत्स द्वारा दी गई। इसमें कुछ हिंदी के गाने अंग्रेजी में लिख के दिए गए थे और उनको पहचान कर उनको गाना था। ये थे नंबर वन, नाइट बर्ड केम इन ए ड्रीम। नंबर टू, नाइट इज़ लोनली लाइट्स आर आउट। नंबर थ्री, दिस नाइट दिस सीजन रिवर बैंक प्लेफुल ब्रीज। नंबर फोर, दिस नाइट इज़ वेट डेज्ड ऑटम लवली मून रोज स्लोली। नंबर फाइव, दिस नाइट दिस मून व्हेन विल दे बी बैक। नंबर सिक्स, दीज डेज एंड नाइट्स आर नॉट पासिंग बाई, आई वॉन्टेड टू टेल यू व्हाट्स इन माई हार्ट। सेवेंथ, दीज नाइट्स न्यू एंड ओल्ड स्पीक ऑफ मैनी टेल्स अनटोल्ड। एट्थ, ब्यूटिफुल नाइट्स हैज स्लिप्ड अवे बट डोंट नो वेन यू विल कम। नाइन्थ, डे हैज कम टू ए क्लोज बट द नाइट इज नॉट पासिंग। टेंथ, मून राइजेज इन द मिडिल ऑफ द नाइट बट लेट नॉट अवर मीटिंग बी कट इन हाफ। इलेवेंथ, ओ नाइट्स ट्रेवलर प्लीज टेल डियर मून व्हाट्स माई मिस्टेक। थर्टींथ, ट्वेल्थ, नाइट एंड डे लाइट बर्न्स। थर्टींथ, द कंपेनियंस ऑफ द नाइट आर गोइंग होम टायर्ड। कुछ गाने डॉक्टर अजय द्वारा दिए गए जो इस प्रकार थे। रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग बाई नो, आई स्टार्टेड लविंग ओह आई वॉज किल्ड बाई योर जोक। दूसरा था वॉक वॉक माई एलिफेंट ओ माई फ्रेंड। और तीसरा था यू हैव डन ए बिग जॉब माई लाइफ, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब बाई डिसीविंग मी। और इसके बाद एक गाना अंग्रेजी में ऐसा लिख के दिया गया कि जिस पर 2000 रुपये का प्राइज रखा गया, वो इस प्रकार था ओ नेशन डियर नेशन पायस नेशन पायस नेशन ओ माई डियर नेशन माई डिज़ायर्स आर इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ यू। इट वॉज संग बाई ए के। और इस 2000 रुपये वाले गाने के विजेता रहे सौरभ वत्स उर्फ मोंटी। अब जिन्होंने गाने गाए वो इस प्रकार हैं, सुनिए सौरभ वत्स की आवाज़ में। रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए। और ये गाना मीठी सी आवाज रुचि वत्स की आवाज, सुनिए जनाब। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। और ये मीठी सी आवाज है फरीदाबाद से अर्चना कौशिक की। मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। और यही गाना डुएट सौरभ वत्स और रुचि वत्स की आवाज में। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। और दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, अब आपके सामने आयरलैंड से एक महान गायिका रुचि कौशिक। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। और अब आपकी चिर परिचित आवाज नोएडा से शिल्पी उपमन्यु। आधा है चंद्रमा रात आधी, रहना चाहे तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। देहरादून से डॉक्टर अजय शर्मा को सुनिए। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
एक बार फिर डॉक्टर अजय शर्मा को सुनिए। ये रातें नई पुरानी आते आते जाते कहती है कोई कहानी ये रातें। और यही गाना डुएट में सुनिए सौरभ वत्स और रुचि वत्स की मीठी आवाज में। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ग्रेटर नोएडा के महान गायक सौरभ वत्स की आवाज में फिर सुनिए गाना। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। आवाज कुछ बदली भी सी लगेगी लेकिन ये हैं डॉक्टर अजय शर्मा ही। ना करते प्यार है मैं कर गई कर गई कर गई तीन करिया मजाक और मत मर गई मर गई मर गई। एक अलग अंदाज में डॉक्टर अजय शर्मा को सुनिए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी उजियारा है। डॉक्टर अजय की आवाज में एक और। रात के मुसाफिर चंदा मुझे बता दे मेरा कसूर क्या है। फिर एक गीत डॉक्टर अजय की आवाज में। आधा है चंद्रमा रात आधी रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी आधा है चंद्रमा। और दोस्तों एक और गाना डॉक्टर अजय की आवाज में। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए। आवाज बदली है मगर ये हैं डॉक्टर अजय ही। दिन ढल जाता है रात जाती नहीं है तू तो ना आए तेरी याद सताती है। और दोस्तों एक बार फिर मधुर आवाज नोएडा से शिल्पी उपमन्यु की। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी शान। एक और गाना डॉक्टर अजय की आवाज में। तूने मेरी जान बड़ा काम किया है मुझे दगा दे के बड़ा नाम किया है। और अंत में वो पाकिस्तानी गजल जिस पर 2000 रुपए का इनाम रखा गया था वो जीता है सौरभ वत्स ने। सुनिए। मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन। दोस्तों ये सभी गायक कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है परंतु जब इन्होंने परिवार के सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो देखिए कितना प्यार और कितनी एकता और सामंजस्य परिवार में उभर के आता है। आशा करता हूँ ऐसा सामंजस्य ऐसी अंताक्षरी चलती रहेगी। और इसके इनिशिएटिव के लिए सौरभ मोंटी को बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद।